हरे कृष्णा, वेलकम टू गोविंदाज रसोई। आज गोविंदाज रसोई में जो रेसिपी है वो है राजमा। इसके लिए मैंने 200 ग्राम राजमा पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से भीग चुका है। अब इसे हम कुकर में डालकर 3 सीटी आने तक पकाएंगे। जो पानी हमने राजमा को रात भर भिगोने के लिए इस्तेमाल किया था, उस पानी को फेंकना नहीं है, उसी पानी से राजमा में सीटी लगवानी है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक डालकर 3 सीटी आने तक पका लेंगे। जब तक कुकर में सीटी आती है, तब तक एक बाउल में गर्म पानी लेंगे और उसमें काजू के 12 से 15 टुकड़े डाल देंगे। थोड़ी देर बाद इसे पीसकर हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हमारे कुकर में 3 सीटी आ गई है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलकर देखेंगे। ये हमारा राजमा बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है, ये देखिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में लगभग 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें 1 तेज पत्ता डालेंगे। तेज पत्ता का कलर चेंज होने के बाद उसमें 1 बड़ी इलायची, बड़ी इलायची को हम थोड़ा क्रश करके डालेंगे। इससे इलायची का फ्लेवर अच्छा आता है। लगभग 2 टुकड़े 1-1 इंच के दालचीनी डालेंगे। 2 क्रश किए हुए छोटी इलायची डालेंगे और 3 लौंग डालेंगे। इसके साथ ही कद्दूकस की हुई 1 टीस्पून जिंजर डालेंगे और फिर इसे अच्छे से पकाएंगे। लगभग 2 से 3 मिनट इसे चलाते हुए हमें पकाना है। तीन मिनट के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च भी ऐड करी है, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालकर मसालों को अच्छे से भून लेंगे। आप तीखापन अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा सकते हैं। मसालों को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसका कच्चापन निकल गया है और मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें काजू पेस्ट जो हमने तैयार किया था उसको डालकर फिर अच्छे से चलाते हुए मसालों के साथ पकाएंगे। लगभग 1 से 2 मिनट भुनने के बाद मसाले तेल छोड़ चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। मैंने यहाँ 3 बड़े साइज के टमाटर को पीस लिया था। अब इसे चलाते हुए पकाएंगे। टमाटर को पीसते वक्त मैंने 3 हरी मिर्च भी ऐड करी थी, तो इस प्यूरी में हरी मिर्च भी है। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है। अब इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे और फिर इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने देंगे। मसाले तली में ना लगे इसलिए थोड़ी थोड़ी देर पे हम ढक्कन हटाकर मसालों को चेक करते रहेंगे। अभी मसाले अच्छे से पके नहीं हैं, दोबारा से ढक्कन लगाकर मसालों को पकने देंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मसाले अब पक चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पे 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को मैंने तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और फिर इसे क्रश करके इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों में इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब इसमें हम राजमा ऐड करेंगे, अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे। अब 1 कप पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और
दो से तीन मिनट तक ढककर पकने देंगे ताकि मसालों का फ्लेवर राजमा में अच्छी तरह से चला जाए। 2.5 से 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे। हमें बिल्कुल जैसी कंसिस्टेंसी की ग्रेवी चाहिए थी वैसी तैयार है। राजमा भी अच्छे से पक गया है और अब हमारा भोग रेडी है। अब मैं इसमें थोड़े से कटे हुए बारीक धनिया पत्ती डाल दूंगी। अब हमारा भोग बिल्कुल रेडी है तो अब मैं इसे एक दूसरे बाउल में सर्व करूंगी और तुलसी पत्र डालकर राधा माधव जी को इसका भोग लगाऊंगी। ये देखिए ये राजमा हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी टेस्टी बनी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। हरे कृष्णा।